खबर हिमाचल में जारी मस्जिद विवाद से जुड़ी हुई। संजौली की विवादित मस्जिद पर आपको बता दें हम, जो सुनवाई है वो फिर से टल गई है। 5 अक्टूबर को मस्जिद विवाद पर अब अगली सुनवाई होगी। अब दोबारा सुनवाई जब टली है तो हिंदू लोगों में काफी आक्रोश है। 2010 से नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में केस चल रहा है। सुनवाई के दौरान शिमला नगर आयुक्त भूपेंद्र अत्री का बयान सामने आया है, मैप अप्रूवल के बिना बिल्डिंग को बना दिया गया। शिमला नगर आयुक्त बिना अप्रूवल के वक्फ बोर्ड ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये कहा गया उनकी ओर से। नहीं नहीं, उनकी कोई, उन्होंने कोई भी ऐसा कागज कोर्ट में पेश नहीं किया है जिससे ये पता लगे कि जो जाम मस्जिद है वो जमीन जो है वक्फ बोर्ड की है। वो जमीन आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार की है और वक्फ बोर्ड जो है वो एनक्रोचर है उसमें, और हम ये कहते हैं कि जो कार्रवाई एनक्रोचर के खिलाफ होनी चाहिए एज पर द बायलॉज ऑफ एमसी एक्ट, वो इनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जबकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मस्जिद है उसकी सिर्फ एक फ्लोर थी, और एक फ्लोर को तोड़ने के बाद इन्होंने परमिशन, ये कह रहे हैं हमने ली थी तो एक ही फ्लोर का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने वहाँ पे 5 फ्लोर का निर्माण कर दिया है। अभी अनऑथराइज जैसे वो बिल्डिंग बनी है कहा जा रहा है, तो उस पर कोई डिसीजन है एमसी का? आज कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और ना ही आज कमिश्नर साहब ने कोई ऐसा कोई ऑर्डर किया है जिससे उनका बिजली पानी जो है तुरंत प्रभाव से डिस्कनेक्ट किया जाए। अदरवाइज अगर किसी और की इलीगल कंस्ट्रक्शन पाई जाती है तो उनका बिजली पानी इमीडिएट रिएक्शन से जो है वो काट दिया जाता है, लेकिन आज ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ।